कल बक्सर आएंगे पीएम मोदी, विशाल जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर, कार्यक्रम स्थल का दौरा कर रहे एनडीए नेता। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है। बक्सर संसदीय क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के पक्ष में प्रचार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि शनिवार को बक्सर पहुंच रहे हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। कार्यक्रम स्थल पर एनडीए नेताओं का दौरा भी लगातार जारी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं। बक्सर पहुंचे जदयू के एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव, राज्यवर्धन आजाद के साथ साथ जदयू नेता दीपांकर सिंह, लोजपा नेता ओमजी मिश्र ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री की सभा के बाद एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा और वह चुनाव में विजय हासिल करेंगे। यह पूछे जाने पर कि बक्सर सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अब तक चुनाव प्रचार में क्यों नहीं आए हैं और क्या वह पीएम के मंच पर मौजूद रहेंगे, तो नेताओं ने कहा कि निश्चय ही उन्हें ऐसा करना चाहिए। कार्यक्रम स्थल पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह, बीजेपी के औरंगाबाद एमएलसी राजन सिंह, भाजपा नेता पुनीत सिंह, लोजपा नेता सोनू सिंह समेत एनडीए के तमाम नेता पहुंचे हुए थे, जिन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के बाद अपने वक्तव्य मीडिया के समक्ष रखे। सरकार किसकी बनेगी ये बात निश्चित हो चुकी है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, जिसका संक्षेप में हम लोग राजग कहते हैं, उसकी सरकार बनना केंद्र में निश्चित है। और हमारे जो यहाँ उम्मीदवार हैं मिथिलेश तिवारी, वो हमारी भाजपा के बहुत पुराने और ज़मीनी कार्यकर्ता रहे हैं, वे विधायक भी रहे हैं और उनकी बिहार की राजनीति की बहुत अच्छी समझ है। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मिथिलेश तिवारी की जीत से बिहार के विकास में, बक्सर के विकास में, देश के विकास में गति आएगी। देखिए, अश्विनी कुमार जी बहुत सम्मानित नेता हैं और टिकट देने का काम तो केंद्रीय स्तर पर होता है और वे तमाम बिहार में एनडीए के प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से, मुझे पूरी आशा है कि वो कल प्रधानमंत्री के मंच पर रहेंगे और वे मिथिलेश तिवारी की जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़े। चारों तरफ एनडीए का मतलब लोग समर्थन कर रहे हैं और सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। जिस तरह मोदी जी के सभा में भीड़े हो रही हैं, उससे लगता है पूरा देश निर्णय कर चुका है और जो लक्ष्य है 400 पार का वो निश्चित रूप से पूरा होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बिल्कुल देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है कि माननीय मिथिलेश तिवारी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ही कर्मठी और बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं। तो मोदी जी का जो 400 पार का जो नारा है निश्चित रूप से सफल होगा और औरंगा यहाँ जो बक्सर का जो क्षेत्र है, 4 लाख वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का बक्सर में, कल बिहार में 3 कार्यक्रम होने वाले हैं, सोरा का मैदान, काराकाट में, डेहरी में, पटना में विक्रम ग्रामीण में और अहरौली के मैदान बक्सर में। माननीय प्रधानमंत्री जी का कल उत्तर प्रदेश में भी सभा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह चुनाव है, यह देश का चुनाव है, राष्ट्रवाद का चुनाव है, विकास का चुनाव है और यह चुनाव जो है भारत को दुनिया में तृतीय आर्थिक महाशक्ति बनाने का चुनाव है। मिथिलेश तिवारी जी इस बार पिछले वाला भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि पूरा हम लोग का राजपूत समाज 90% एनडीए के साथ है। और कल के आगमन से जितने भी बक्सर लोकसभा के जनता है, जो कि इधर उधर घूम रहे हैं, कोई अपने मामा के साथ, कोई अपने फूफा के साथ घूम रहा है, वो सभी अपने घर वापस आएंगे और सभी घर वापस आने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपना वोट देकर विजयी बनाएंगे। कल के बाद अभी तक जो स्थितियां रही हैं वो रही होंगी, लेकिन कल के बाद सारी स्थितियां बदल जाएंगी। जितने भी भूले भटके हमारे भाई होंगे वो अपने घर वापस आ जाएंगे। चंद्रकांत निराला।